दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है, तो फिर अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, तो फिर फॉर्म भरते समय आपको जो आप पर केस चल रहा है उस बात का जिक्र फॉर्म में करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बदले की भावना में आकर आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करा देते हैं, ताकि कल को आपके सरकारी नौकरी होने में दिक्कत आए। सच मानिए, कुछ लोगों का इंटेंशन ऐसा ज़रूर होता है। दोस्तों, क्या कोई भी केस दर्ज हो जाने पर सरकारी नौकरी होने में दिक्कत होता है? मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लें। अब आइए मैं आज के मुख्य टॉपिक पर आता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है कि आप कोई भी सरकारी नौकरी करें, तो अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है और अगर आप जब फॉर्म भरते हैं, तो फिर फॉर्म में आपको जो सही है, जो रियल है, आपको वही बताना चाहिए। आपको फैक्ट को नहीं छिपाना चाहिए। ऐसे भी जिस भी मामले में आपके ऊपर केस दर्ज होता है, अगर उस गुनाह का सज़ा 3 साल से कम है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका फॉर्म जो है, आप फॉर्म भरेंगे, उसे एक्सेप्ट भी किया जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, और अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो फिर आपको नौकरी भी दे दी जाएगी। और आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस डिपार्टमेंट में आपने फॉर्म भरा था, उस डिपार्टमेंट में यह कहा जाता है कि आपके ऊपर केस चल रहा है, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर इस सूरत में आपके पास यह अधिकार है कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। फिर हाई कोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश देगी कि आपको नौकरी दिया जाए। जब तक केस पेंडिंग रहेगा, तब तक आप नौकरी कर सकते हैं। तो जिस अपराध की सज़ा 3 साल से कम है, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप फॉर्म भरते समय सही जानकारी दें, आप कोई भी बात डिपार्टमेंट से नहीं छिपाएं। हाँ, अगर आपको उस मामले में सज़ा हो जाती है, आप दोषी साबित हो जाते हैं, तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। या फिर अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, तैयारी कर ही रहे हैं, और अगर आपको सज़ा मिल जाती है, आप जेल चल जाते हैं, तो फिर आपकी नौकरी नहीं होगी। दोस्तों, ऐसे कई सारे वैकेंसी हैं जिसमें कि पहले से ही उनका फॉर्म में शर्त होता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है, तो फिर आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं, जैसे कि मिलिट्री, पुलिस, डिफेंस। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी केस चल रहा है और अगर उसका सज़ा 3 साल से कम है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपका केस पेंडिंग रहेगा, तब तक आप नौकरी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट उस वक्त तक इंतज़ार करेगा जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। अगर डिपार्टमेंट आपको नौकरी से निकालता है, तो फिर आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। फिर हाई कोर्ट निर्देश देगी कि आपको नौकरी में रखा जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल केस दर्ज हो जाने से वह दोषी साबित नहीं होता जब तक कोर्ट फैसला नहीं देते, जब तक कोर्ट में दोषी कोई भी व्यक्ति साबित नहीं हो जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें।